चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीक्वल नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:7। इफ द फैमिली एक्सपेंस आर 10500 देन द सेविंग ऑफ द फैमिली, फैमिली की सेविंग बतानी है। तो देखिए, इनकम जो दे रखी है वो 10 रुपये दे रखी है और एक्सपेंस जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, 7 रुपये दे रखा है। अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में, 3। यानी कि अगर 10 रुपये इनकम थी तो 7 रुपये खर्च करें, 3 रुपये बचाएंगे। बट एक्चुअली में जो एक्सपेंस दे रखा है एग्जामिनर ने वो कितना दे रखा है, 7 नहीं है, वो कितना है आपका 10500। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35 यानी 1500। इससे 1500 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसे 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 45। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं जरा इसको। मान लेते हैं कि जो मेरे पास में इनकम है वो कितनी है आपकी, 10x है। तो मेरे पास में जो एक्सपेंस है वो कितना है मेरे पास में आपका, 7x है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, 3x। ये मेरे पास क्या होगा आपका, सेविंग होगा, क्योंकि ये मेरे पास में क्या था, एक्सपेंस था और ये मेरे पास में इनकम थी। बट एक्सपेंस कितना है, 7x दे रखी है। बट एग्जाम में कह रहा है एक्सपेंस जो है मेरे पास में 10500। तो 7 से काटेंगे, ये आमने सामने की वैल्यू कर देते हैं इस कल्टू में, 15 7 105 यानी 1500। एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3 × 1500, 1500 45 4500। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।